चूंकि हमने जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि ग्वालियर चंबल संभाग इतना महत्वपूर्ण संभाग है कि सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं अगर इस संभाग से निकलती है तो कहना गलत नहीं होगा, चूंकि 2018 में हमने ये देखा है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा शानदार प्रदर्शन यहाँ पर किया जिसकी बदौलत 15 साल का सूखा खत्म हुआ और आप लोग सत्ता तक पहुँचने में कामयाब हुए। एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर इस वक्त प्रदेश खड़ा है, क्या उम्मीद आप लोग इस संभाग से कर रहे हैं, आपसे जाना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनावी समर में आपने इस तप की भूमि को चुना, इस जप की भूमि को चुना। जहां तक आपका प्रश्न 2023 के चुनावी समर को लेकर है, तो मैं बहुत स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं, ये बात सच है कि पिछली बार जो मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, जनता ने जो बहुमत कांग्रेस पार्टी को दिया था, उसमें ग्वालियर चंबल संभाग का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और ग्वालियर चंबल संभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहने के पीछे एक विशेष कारण और है कि जब भी शौर्य की बात आती है, जब भी साहस की बात आती है, जब भी आंदोलन की बात आती है, जब भी आत्म स्वाभिमान की बात आती है, जब भी सुरक्षा की बात आती है, जब भी देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, आत्मसम्मान की बात आती है, तो इस देश में सबसे ज़्यादा यदि इन मसलों पर कोई नेतृत्व करता है तो वो ग्वालियर चंबल संभाग का हमारा व्यक्ति करता है। चाहे वो हमारी इंडियन आर्मी, आप देखो किसी भी विषय पे देखो, ग्वालियर हमेशा आपको अव्वल दिखेगा। इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है, पिछली बार हम लोग 34 सीटों में से लगभग 26 सीटें जीते थे, मुझे इस बार लगता है कि हम लोग पिछली बार वाला भी आंकड़ा पार करेंगे। जैसा मैंने कहा कि 2018 में सत्ता तक पहुंचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस संभाग ने निभाई, 2020 में जब सत्ता गई तब भी इसी संभाग के आपके साथी विधायकों की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो जिस तरह की परिस्थितियां बनी उसके बाद फिर वापस अभी 2023 में आप लोग साथ में हैं, तो वो जो चुनौतियां बीच में मिली थी उसको किस तरह से देखते हैं अब इस बार, क्या तैयारी? देखिए, दगा किसी का सगा नहीं। पिछली बार 2020 में इस मध्य प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस पार्टी कैसे बाहर हुई, ये मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है, और ये लोकतंत्र में और हमारे इतिहास में सदैव काले धब्बे के रूप में इसको याद किया जाएगा। जब बाई इलेक्शन हमारे यहाँ हुआ तो उसमें भी 34 में से 17 सीटें कांग्रेस के पास रहीं, 16 सीटें बीजेपी के पास रहीं, एक बसपा के पास रहीं। इस बार की जो परिस्थिति रहेगी, मैं पहले भी आपसे कहा, चूंकि पिछले 18 साल में सबसे ज़्यादा इस मध्य प्रदेश में यदि कुछ पीछे गया है तो ये ग्वालियर चंबल संभाग पिछड़ा है, ये पीछे गया है। जिस ग्वालियर की धरा पर हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे देश में आपके चैनल के माध्यम से जिस ग्वालियर से कार्यक्रम लाइव हो रहा है, ये एक ऐसा शहर है जिसमें इस देश में सर्वाधिक संभावनाएं हैं, पर इस शहर के साथ पिछले 18-20 सालों में कितना अन्याय हुआ है, ये शहर कितना पिछड़ा है, इस शहर ने कितना दंश इस बात का झेला है कि इस देश के शीर्ष नेतृत्व जिसको यहाँ से ग्वालियर ने चुन के शीर्ष नेतृत्व में शामिल किया, उन्होंने इस शहर के साथ क्या न्याय किया, ये ग्वालियर चंबल संभाग बेहतर तरीके से जानता है। ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश को कांग्रेस पार्टी से और हमारे नेता कमलनाथ जी के विजन से पूरी उम्मीद है, आशा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मध्य प्रदेश में हम लोग 150 के पार जाएंगे। क्या विजन है, रोड मैप क्या है? चूँकि अगर आप ये कहते हैं कि 18 साल के शासनकाल के दौरान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस संभाग के साथ में वो अच्छा काम नहीं किया या वो विकास नहीं किया जिसका ये हकदार है, तो आपके पास क्या रोड मैप है? चूंकि जनता के बीच में आपको भी जाना है, तो क्या रोड मैप लेकर आप जा रहे हैं? यहाँ आज आपके कार्यक्रम में हमारे सामने जितनी जनता जनार्दन बैठी है, जिनके आशीर्वाद से ही कोई भी नेता, कोई भी लीडर हमेशा सत्ता के शीर्ष पर पहुँचता है या सत्ता में शामिल होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ये प्रवीण पाठक का अकेले का कहना नहीं है। ग्वालियर
15 महीने की कांग्रेस की सरकार में ग्वालियर स्वास्थ्य के मसले में काफ़ी आगे आया। पिछले कई वर्षों से जिस 1000 बिस्तर के अस्पताल का शिलालेख का पत्थर जहां भूमि पूजन किया गया था, वो झूठे वादों में कहीं कई फिट नीचे दबा हुआ था, वो कांग्रेस की सरकार में फिर से निकाल के आज 1000 बिस्तर का अस्पताल इस ग्वालियर अंचल संभाग में शान से खड़ा हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी की देन। गाजे बाजे के साथ तमाम जगह ये बताया जाता है कि ग्वालियर में एलिवेटेड ब्रिज बनाया जा रहा है। इसका श्रेय बहुत लोग लेने का प्रयास भी कर रहे हैं। मुझे ये कहने में भी कतई परहेज नहीं है कि जो एलिवेटेड ब्रिज की परिकल्पना है, जिसको साकार करने की बात आज ग्वालियर में हो रही है और बहुत सारे शीर्ष नेतृत्व के लोग उसका श्रेय ले रहे हैं, इसकी भी आधारशिला अगर कभी रखी गई तो वो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में रखी गई। इस ग्वालियर चंबल संभाग में यदि हमने इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे मालनपुर हो चाहे बामौर हो, ये जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया दिए गए, ये सब कांग्रेस के शासन में दिए गए। मुझे दुख होता है, और दुख इसलिए भी है कि आज जिन साथी से मैं बात करना चाहता था वो मेरे सामने मौजूद नहीं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर उनसे प्रश्न पूछता कि हमारा ग्वालियर जिन विषयों के लिए इस देश के और इस विश्व के मानचित्र पर जाना जाता है, चाहे वो LNIP हो, चाहे हमारे जीवाजी यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारे तानसेन जी की बात हो, आखिर ग्वालियर को लेके 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया कि इस देश में ग्वालियर का नाम फिर से अव्वल नंबर पे जाना जाए, शीर्ष पर जाना जाए? 2018 का हम चूंकि जिक्र कर रहे हैं, और 2018 में कांग्रेस पार्टी इतना बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर अगर कर पाई तो उसके पीछे माना जाता है कि सिंधिया का एक चेहरा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे, उनके काम और उनकी छवि को की वजह से यहाँ की जनता ने कांग्रेस का समर्थन किया, ऐसा कहा जाता है। अब वो BJP के साथ में है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी चेहरा बिना दल के नहीं होता। यदि उनका चेहरा था तो उनके नींव के पत्थर के रूप में उनकी इमारत में हमारे कांग्रेस के कई सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत लगी थी। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो इमारत राजनीतिक शीर्ष पर खड़ी हुई थी तो उसकी नींव में कई लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पसीना था, इस कारण से वो शीर्ष पर खड़े हुए थे। ठीक है, राजनीति में अपना अपना स्टाइल है, राजनीति करने का उनका अपना स्टाइल है। उन्होंने संघर्ष को नहीं चुना, उन्होंने सत्ता को चुना। हम लोग नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति करते हैं और जीवन भर सिद्धांतों पर और नैतिक मूल्यों पर आधारित ही राजनीति करते रहेंगे। और इस जनता ने जिस सोच के साथ, जिस विश्वास के साथ हमको जनमत दिया है, उनका विश्वास कभी डगमगाने नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे, उनके पीठ पर छुरा नहीं मौकेंगे। उन्होंने जिस रूप में हमको स्वीकारा है, जिस रूप में हमको चुना है, उसी रूप में हम उनके साथ दिखाए जाएंगे और देखेंगे भी, रहेंगे भी। तो जो उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने इसी खुददारी बनाम गद्दारी को एक बड़ा प्रमुख मुद्दा बनाया, लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं आए थे। यानी जनता ने जो मुद्दा आपने उठाया उसको शायद अपने आप से कनेक्ट नहीं किया, तो नहीं, इसको किस तरह से देखते? ऐसा मैं इसलिए नहीं बोलता कि यदि हम 2013 के आंकड़े देखेंगे 34 सीटों पे, तो मुझे लगता है कि लगभग शायद 13 सीट उस समय कांग्रेस पार्टी जीती थी। पर सरकार में, आप, पूरा देश जानता है, आप सब लोग जानते हैं कि सरकार में जो चुनाव होता है वो सरकार का चुनाव होता है, वो विपक्ष का चुनाव नहीं होता है। उसके बावजूद भी इन 34 सीटों पर 17 जगह हम काबिज रहे। भाई, इनके जितने धुरंधर थे जो 60,000 से जीतते थे एक ज़माने में कांग्रेस से, वो उनको धूल चाटना पड़ी। ये बात सच है कि सरकार के प्रभाव के कारण इन्होंने अपनी सीटें 7 से 16 कर ली। पर आगे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी मेरी इस बात को, समय को और दिनांक को याद रखें कि इन ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में BJP बमुश्किल 4-5 सीटें ही ले पाएगी। अच्छा। बमुश्किल, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, 4 सीटें आप BJP को दे रहे हैं, लेकिन एक से एक दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी में इसमें हैं। 2-2 केंद्रीय मंत्री इसी इलाके से आते हैं, सिंधिया हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरोत्तम मिश्र प्रदेश के गृह मंत्री इसी इलाके से हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसी इलाके से हैं, और भी कई दिग्गज हैं। कैसे लड़ेंगे इनसे, किस तरह की चुनौती है? देखिए, अगर चेहरों पर चुनाव हो रहा होता तो फिर तो ऐश्वर्या राय इस देश की प्रधानमंत्री होती, सलमान खान होते,
अक्षय कुमार होते, पब्लिक को मालूम है, जनता को मालूम है कि पिछले 18 साल से हमको कैसे ठगा गया है। मुझे शर्म आती है, मैं पिछले 6 महीने से अपनी विधानसभा में लगातार पदयात्रा कर रहा हूं, एक एक घर में जा रहा हूं। मुझे देखकर कष्ट होता है कि 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार ने मध्य प्रदेश में आम आदमी की क्या दुर्दशा कर दी है। किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, युवाओं के रोजगार की स्थिति क्या, इतने सारे युवा बैठे हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। गृहणियों की हालत क्या है, रोड़ों की हालत क्या है, इतने सारे लोग बैठे हैं, आधे से आप एक जब जाएं तो एक बार सर्वे भी कर लें, यहाँ जितने भी ऑर्थोपेडिक के हमारे डॉक्टर्स हैं, कि लोगों की स्पाइन की हालत क्या हो गई है। ग्वालियर डूब चुका है साहब, चेहरों पे अब चुनाव नहीं होने वाला है, जनता समझ गई है। आज भी ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में लगभग 3700 घर ऐसे हैं जहां रात में बिजली नहीं जलती है, लोग अपनी झुमकियां बेच के, महिलाएं अपनी नथ बेच के अपने बिजली के बिल भर रही हैं। जो सिलेंडर एक जमाने में 450 का आता था, आज 1300 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब समझती है, थोड़े समय के लिए भ्रमित हो सकती है पर सदैव भ्रमित नहीं हो सकती, और मैं दावा करता हूं कि जनता इस बार सब समझ चुकी है। और इसका परिणाम मध्य प्रदेश में जो निकृष्टता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 साल में की है उसको भुगतना पड़ेगा। हमारा जनसंवाद का कार्यक्रम है और आप लोगों में से भी अगर कोई सवाल मैं करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के दौरान तो आप सवाल कर सकते हैं, हाथ खड़े कीजिएगा ताकि हमारे सहयोगी आप तक पहुंचेंगे, और अपने जब सवाल करें तो संयमित रहें, संयमित रहकर सवाल करें, छोटा सवाल करें। जी मैं आपके पास आता हूँ, एक सवाल पहले लेता हूँ, हमारे सहयोगी आपके पास आएंगे। इन सब बीच एक बड़ी बात यह भी होती है कि हेलो एक बड़ी बात लगातार ये कहा जाता है कि जितने जीतने वाले चेहरे थे वो सब कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में आ गए, तो अब टिकट देने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं अक्सर, ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, इसको किस तरह से काउंटर करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इन तीनों में भिन्नता है। कई सारे साथी ऐसे बैठे हुए हैं जो ये दम्भ भरते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज़्यादा साहसी बलशाली नेतृत्व अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जब वास्तव में ही आप इतने बड़े लोकतंत्र में इतनी बड़ी पार्टी हैं तो आपको एक खरीद फरोख्त की आवश्यकता क्या पड़ी? वास्तव में अगर आपके पास इतने बड़े चेहरे हैं तो करोड़ों रुपये दे के विधायकों को खरीदने की जरूरत क्या पड़ी? और जहाँ तक बात रही जीतने वाले की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आपने जीता हुआ चेहरा नहीं लिया था, 2014 का वो लोकसभा चुनाव हारे थे उसके बाद आपने लिया था। तो जहां तक मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि राजनीति में चेहरे का उतना ही महत्व है, क्षणिक महत्व है, राजनीति में सबसे ज्यादा अगर कोई महत्व है तो वो नैतिक मूल्यों का है, आपकी कार्य पद्धति का है, आपकी कार्य प्रणाली का है, आपकी दूरदृष्टता का है, आपके विजन का है, और ये विजन इस देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है और किसी के पास नहीं। यहां से एक सवाल आ रहा था, अगर माइक वहां पर पहुंचा सके तो, इधर से सवाल था, इस बीच में एक सवाल, चुके आप युवा हैं, पहली बार विधायक बनकर आए हैं, किस तरह का अनुभव आपका अब तक रहा है और युवाओं के संदर्भ में आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग के युवा किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं सियासत में आने वाले समय के संदर्भ में? जहां तक मेरा सवाल यह है कि एक मिनट जवाब ले लेते रह रहा हूं जी, बोलिए। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि युवा हूं, निश्चित तौर पर राजनीति में जो युवा लोग होते हैं उनकी सोच अलग होती है, डिफरेंट होती है। मैंने विधायक बनने के बाद सबसे पहला यदि कोई कार्य किया तो वो ये किया कि मेरी विधानसभा में स्कूल कैसे सुधारे जाएं। दूसरा अगर मैंने कोई काम किया तो वो ये किया कि हमारे यहाँ अस्पतालों की व्यवस्था कैसे ठीक हो। तीसरा यदि मैंने कोई काम किया तो ये किया कि ये हमारे जो युवा हैं पढ़ लिख कर इनके रोजगार की व्यवस्था कैसे हो। युवा रहते हैं तो रिस्क लेने की क्षमता होती है, उनका अपना एक विज़न होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऊर्जा रहती है, और इस ऊर्जा का और इस विजन का जब एक दिशा में इसका वो सदुपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम अच्छे आते हैं। ठीक है।
बहुत संक्षेप में सवाल ले लेते हैं फटाफट, बहुत संक्षेप में कीजिएगा सवाल जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा सवाल ये है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार ये सरकार सिर्फ दिखावा करती हैं लेकिन काम नहीं करती। अगर धरातल पर देखा जाए, आज देख लो ग्रामीणों चला शहर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, शासकीय स्कूलों की हालत है। आज आप जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो शिक्षा ले नहीं पा रहा है। ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर सवाल है कि दोनों ही पार्टियों ने ठगा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और आपको इस बात के लिए साधुवाद। आप आम आदमी पार्टी से हैं, मैं जरूर आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भी आप यहां से कार्यक्रम से उठ के जाएं, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के शासकीय स्कूल जरूर आप देखिएगा। आपको एहसास होगा कि इस कांग्रेस पार्टी के विधायक ने ग्वालियर दक्षिण में शासकीय विद्यालयों का कैसा रूपांतरण किया है। आप जरूर एक बार आके देखिएगा, आपका जो भ्रम है यह भी दूर होगा। चलिए अगला सवाल संक्षिप्त में कीजिएगा फटाफट, टाइम की कमी जी, नेक्स्ट बोलिए बोलिए। वर्ष 2015 में भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया था विधायक जी, और 2023 चल रही है। आप क्या वादा यहाँ करते हैं कि कांग्रेस की सरकार आने पर ग्वालियर को स्मार्ट सिटी आप कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए अभी तो हालत ये है कि जो 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी का पूरे देश में ऐलान किया, ग्वालियर में तो वास्तव में धरातल पर उसकी स्थिति ये है कि स्मार्ट सिटी के पैसे से महलों में खिल रहे हैं फूल और ग्वालियर की जनता रोड़ों पे खा रही है धूल। ग्वालियर की स्मार्ट सिटी का तो ये हाल है जी। और जहां तक बात रही कांग्रेस की सरकार की, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि ये ग्वालियर, इस ग्वालियर की जैसी पहचान पूरे विश्व में, पूरे देश में आज से 20-25 साल पहले रहती थी, हम अपने गौरव को, ग्वालियर के सम्मान को वापस लेके आए। आखिरी 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 सवाल, एक छोटा सा सवाल बिल्कुल संक्षेप में, आखिरी सवाल दीजिए, माइक दीजिए जल्दी, टाइम की कमी है क्योंकि नेक्स्ट गेस्ट आ चुके हैं, सेशन शुरू करना, जल्दी बोलिए प्लीज। विधायक जी, आपने कहा ऐश्वर्या राय के जो तस्वीर से चुनाव नहीं जीते जाते, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी जनता देख चुकी है और कांग्रेस आगे नहीं कर रही है युवाओं को, कहीं ना कहीं युवा दरकिनार कर दिए जाते हैं हर बार। आप भी, मुझे नहीं लगता कि सारे कांग्रेस के कार्यक्रम अटेंड करते हैं, बहुत कम कार्यक्रमों प्रवीण पाठक दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं बिना युवाओं को। संक्षेप में आखिरी सवाल था प्लीज, संक्षेप में। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, हमारे कांग्रेस पार्टी के कई नेता इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, असहज महसूस करते हैं जब मीडिया उनसे ये प्रश्न पूछती है। मैं, मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं राहुल गांधी जी, उनसे प्रेरणा लेके मैं पिछले 6.5 महीनों से अपनी विधानसभा में पदयात्रा कर रहा हूँ और इसकी मैंने लिखित में अपनी पार्टी को सूचना दी है, इस कारण मैं किसी कार्यक्रम में नहीं जा पाता। एक जनप्रतिनिधि की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी जनता के बीच रहे, अपने परिजनों के बीच रहे, उसको मैं भली भांति निभा रहा हूँ। कई सारे सवाल यहाँ पर हैं लेकिन चूंकि हमारा सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे सेशंस होने हैं और अगले मेहमान भी तैयार हैं, समय की बाध्यता है। फिलहाल प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आकर अपना समय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रवीण पाठक जी के लिए और बाकी मेहमानों के लिए, सेशन लगातार चालू है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अमूल्य समय IBC 24 की जनसंवाद को दें। सर आप मंच पर ही रहिए, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुधीर जी को जो IBC 24 की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, कि वो मोमेंटो देकर के, स्मृति चिन्ह देकर के सर का सम्मान करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, सर ने बेबाकी से हर एक प्रश्न का जवाब दिया है, कांग्रेस का पक्ष भी रखा है, सत्ता को घेरा भी है, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी।